मुंबई पुलिस की घिनौनी हरकत सामने आई है। कार में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी महिला और उठा कर ले गए। आज के जमाने में पुलिस का दिमाग करप्शन ने खराब कर रखा है। भले ही जुर्म करने वाले को सजा मिले या नहीं मिले, मगर आम आदमी जरूर इनकी चक्की में पिस जाता है। ऐसा ही एक शर्मनाक मामला हाल ही में सामने आया, जहां मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने रास्ते में क्रेन से उठा लिया एक कार को। जानकारी के मुताबिक उस कार की पिछली सीट पर एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस से ऐसा करने से रोका, मगर उन्होंने नहीं सुनी। बिना कुछ सोचे समझे कार समेत महिला को उठा ले गए। इसी बीच एक व्यक्ति ने पुलिस की इस घटिया हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। बाद में उन कांस्टेबल्स को सस्पेंड भी किया गया। दरअसल ये मामला मुंबई के मलाड इलाके का है, जहां पर एक महिला कार में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि अचानक मुंबई पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को कब्जे में ले लिया। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन पुलिस वाले उन्हें शिकार बनाकर उठा कर ले गए। वहीं कुछ लोग इस घटना का लाइव वीडियो बना रहे थे। उन्होंने बताया कि वो महिला पुलिस को फाइन भरने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कार समेत महिला और बच्चे को उठाकर ले गए। जी हां, इस घटना के बाद मुंबई पुलिस के कांस्टेबल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हरकत के लिए शिवसेना भी मुंबई पुलिस की इस हरकत के लिए काफी शर्मिंदा है। क्या कहेंगे आप इस तरह की हरकतों के बारे में, कॉमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।